गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल व्यास. आई एम डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी. टूडेज टॉपिक ऑफ गुडविल. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ गुडविल, चैप्टर सेकेंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको मैंने पहले भेज दिए, आप उसमें से क्वेश्चंस देख लेंगे. या आपके पास अगर बुक्स है तो ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड. गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. द फॉर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर: 30,000, 25,000, 40,000, 35,000 एंड 20,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म. जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम जो सॉल्व करेंगे, ये जो मेथड है ईयर परचेज मेथड है, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो 5 ईयर्स प्रॉफिट्स दे रखे हैं उन 5 ईयर प्रॉफिट को ऐड करके 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले मैंने इसमें ये जो स्टेप लिया एवरेज प्रॉफिट का, ये जो एवरेज प्रॉफिट का स्टेप है इसमें मैंने क्या किया कि 5 ईयर प्रॉफिट जो 30, 25, 40, 35 एंड 20 ऐड किया होता है 1,50,000, डिवाइड बाई 5 तो मेरा आ गया 30,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन लिखा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. देन एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 इंटू हमने किया 3, तो आपका गुडविल की वैल्यू होगी 90,000. यह है ईयर परचेज मेथड. सेम ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें आपको इसमें एक चीज़ चेंज है. ये जो 6,000 मैंने जो ब्रेकेट में लिखा है, ये 6,000 जो है लॉस है. इस लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करने की जगह लेस करेंगे. तो 10,000 + 16,000 + 12 तो हो गया 38,000, -6,000 = 32 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा 8,000. देन क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर होगा 16,000. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपके पास होगा. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म्स फॉर लास्ट 4 ईयर 2013 20,000 इंक्लूडिंग 4,000 स्पेसिफिकेटिव प्रॉफिट, 2014 लॉस 2,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 16,000, 2015 17,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 2,000 एंड 2016 19,000 प्रॉफिट दे रखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000. गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 3 ईयर 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस जो इसमें दे रखी है, तो मैंने एक नोट डाला इन दिस क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन इज री एडजस्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल. जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है और एबनॉर्मल गेन है उनका री एडजस्टमेंट करना होता है. एबनॉर्मल प्रॉफिट जो ऑलरेडी ऐड है तो उसको आपको लेस करना होगा, एबनॉर्मल लॉस जो लेस कर रखी है तो उसको वापस आपको ऐड करना होगा. तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए जैसे सबसे पहले ईयर जो दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं, प्लस माइनस साइन लगा रखा है. अगर लॉस है तो प्लस करना है और गेन है तो लेस करना है. 20,000 जिसमें आपको दे रखा है 4,000 स्पेसिफिकेटिव प्रॉफिट. स्पेसिफिकेटिव प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इसको हम लेस कर लेंगे. लेस करने के बाद अपना जो प्रॉफिट आ गया 16,000. फिर आपको दे रखी 2,000 लॉस और ये लिखा है आफ्टर चार्जिंग इन एबनॉर्मल लॉस 16,000. इस 16,000 को आपको प्लस करना है. 16,000 प्लस का और 2,000 लॉस जो है वो माइनस किया तो आपका जो प्रॉफिट होगा 14,000 हो जाएगा. देन 2015 17,000 प्रॉफिट दे रखा है एंड 2,000 आपका ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जब क्लोजिंग स्टॉक हम ओवर वैल्यूड करते हैं तो उसको वापस जो है जितना आपने ओवर वैल्यूशन किया उसको उसी ईयर में लेस करते हैं और नेक्स्ट ईयर ऐड करते हैं. तो 2015 के अंदर तो मैंने इसको लेस किया और 2016 के अंदर ओवर वैल्यूशन को मैंने ऐड किया है, ठीक है. उसके बाद दे रखा है 2016 जिसमें 2000 आपको दे रखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है इसलिए इसको लेस कर लेंगे वापस तो अपना प्रॉफिट हो गया 19,000. इस तरह से ये जो 4 ईयर प्रॉफिट है इसको ऐड करने से आपका अमाउंट आया 64,000 डिवाइडेड बाई 4 तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, वो होगा 16,000. देन गुडविल इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 48,000.
अब आप जब क्वेश्चन नंबर सिक्स जो देखेंगे, इस क्वेश्चन लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट फाइव ईयर। आपको प्रॉफिट दे रखा है 2012 10,000, 13 के अंदर 12, फिर 15, फिर 19 और 29,000। आप प्रॉफिट को देखेंगे कंटिन्यूसली प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है या प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। मैंने नोट के अंदर सबसे पहले लिखा है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। अब उसमें देखिए आपको जब ईयर मैंने लिख दिया, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने प्रॉफिट लिख दिया जो दे रखे 10,000, 12, 15, 19 और 29,000। उसके बाद वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, नहीं भी गिवन होता है तो भी अपने को फर्स्ट ईयर को 1, सेकंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 4, फिफ्थ ईयर को 5, इसी टाइप से कंटिन्यूशन में वेट देना है आपको। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना होता है कि प्रॉफिट इंटू वेट 10,000 इंटू 1 10,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 15 into 3 45,000, 19 into 4 76,000 and then 29,000 into 5 1,45,000। मैंने टोटल किया हो गया 3,00,000। वेट का भी आप टोटल कर लीजिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, 3,00,000 डिवाइड बाय 15, तो आपका अमाउंट आएगा 20,000। देन क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर होगा 60,000। फिर जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है इसमें एक तो सुपर प्रॉफिट दे रखा है। आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा बिकॉज ऑफ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी उसी की दे रखी है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2,00,000, आपको NRR दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको थ्योरी जब डिस्कस की थी उसमें बताया था सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को 3 स्टेप्स लेने होते हैं। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है आपको कैलकुलेट नहीं करना है। सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्वेश्चन में 2,00,000 इंटू 10%, तो आपका होगा 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, देन सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000। देन क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन अपने को क्या करना होगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका गुडविल वैल्यू होगी 30,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड जो दे रखा है, तो इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। अब हमें इसमें जो कहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, देन अपने को जब ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन हो कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट, NRR, तो अपने को पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो ये ऑलरेडी आपको गिवन है 24,000। सेकंड होता है नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो आपका हो जाएगा 1,80,000 इंटू 12%, 21,600। फिर थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, 24,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, 21,600 जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 24,000, वो होगा सॉरी 2400, वो आपका होगा सुपर प्रॉफिट। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 2400 इंटू 100 अपॉन 12, तो आपका आंसर होगा 20,000। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपका दे रखा है 9, बस इस क्वेश्चन में एक टॉपिक दे रखा है आपको कि इसमें आपको जो है पार्टनर सैलरी गिवन है, तो पार्टनर सैलरी को अपन एवरेज प्रॉफिट में से लेस करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई फेयर रेमुनरेशन या फेयर एक्सपेंसेस दे रखा है तो उसको प्रॉफिट में से लेस करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10%, एवरेज प्रॉफिट दे दिया 80,000, फिर लिखा है सैलरी टू ईच पार्टनर 8,000 पर एनम। तो ये जो सैलरी है इसको अपन एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे, 2 पार्टनर है ए और बी, तो 1 पार्टनर सैलरी 8,000, देन 2 पार्टनर सैलरी 16,000, 80,000 लेस 16,000, तो होगा आपका 64,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट।
नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा 64,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14,000। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। 14,000 इंटू 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1,40,000 आपकी गुडविल वैल्यू हो जाएगी। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो है ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दे रखा होगा जिससे आपको पता लगे कि इसके अंदर गुडविल कैलकुलेट करनी है, बट क्वेश्चन के एंड में ये जरूर लिखा होगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसा आपको क्वेश्चन 10 दे रखा है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 30,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, जेड ब्रिंग रुपीज 25,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एडजस्टेड कैपिटल आपको गिवन है, जेड जो 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेके आया वो भी आपको गिवन है। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल कैलकुलेट करना होगा बेटा। उसमें ये होगा 25,000 इंटू 4/1, 1/4 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 25, देन 1 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 25,000 इंटू 4/1 इक्वल्स टू 1 लाख, एंड देन लेस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल उसको आपको लेस करना है 30,000 और 25,000 जो दे रखा है क्वेश्चन में आपको, तो 55,000 लेस करने के बाद आपका बचेगा 45,000, और उसमें उसके बाद आपको लेस करना है जेड की कैपिटल, लेस जेड कैपिटल तो आपका होगा माइनस करेंगे 25 तो आएगा 20,000। ये जो डिफरेंस है ये हिडन गुडविल है, इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। सेम ऐसा क्वेश्चन ही दे रखा है आपको क्वेश्चन 11, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज दे रखी है, अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस दे रखा है उसको एडजस्ट करके आपको एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन 11 के अंदर ए जिसकी कैपिटल 40 दे रखी है, बी जिसकी कैपिटल 30 दे रखी है, उसके बाद आपको दे रखा है जनरल रिजर्व 20,000, इनके बीच में कोई शेयर नहीं दे रखा है। जब पार्टनर के बीच में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा हो तो हम इक्वल रेशियो मानते हैं, तो हमने इक्वल रेशियो मान के उस 20,000 को इनको इक्वली 10,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इसकी एडजस्टेड कैपिटल होगी ए की 50,000, बी की हो जाएगी 40,000। अब वही सेम सी जो है 1/3 शेयर के लिए 50,000 लेके आया, आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल 50,000 इंटू 3/1, 1/3 के लिए 50 है, देन 1 के लिए जो है वो इसको आपको रेसिप्रोकल करना है 3/1 इक्वल्स टू हो गया आपका 1,50,000, और लेस कर लेंगे इसमें से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड लेस सीज कैपिटल, वो हो रहा है 90,000, लेस किया तो पीछे बच गया 60, एंड लेस किया सी कैपिटल 50,000 तो आपका बच गया 10,000। ये जो 10,000 अमाउंट है ये 10,000 अमाउंट हिडन गुडविल है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो है क्वेश्चन में गिवन होगी उसको अगर सुपर प्रॉफिट से कहा जाए तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज प्रॉफिट से कहा जाए तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके अंदर आपको सुपर प्रॉफिट 10,000 गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रुपीज़ 1 फॉर 5 ईयर्स ऑफ 10% पर एनम 3.791 आपको गिवन है। वैल्यू ऑफ गुडविल आपको जो कैलकुलेट करनी है तो आपको सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी से मल्टीप्लाई करना होगा, वो है 10,000 इंटू 3.791 इक्वल्स टू 37,910। ये सिंपल है एन्यूटी मेथड है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है क्वेश्चन 13, जिसमें नेटवर्थ वैल्यू जो होती है, नेटवर्थ मेथड है, इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने किसी बिजनेस को परचेज किया 3,50,000 में, उस बिजनेस की टोटल एसेट्स थी 4 लाख और उस बिजनेस की टोटल लाइबिलिटी थी 80,000। अब आपको टोटल लाइबिलिटी जो थी 80,000, देन टोटल एसेट्स 4 लाख है और लाइबिलिटी 80 है, तो उसकी नेट वैल्यू होती है नेटवर्थ जो है वो है 3,20,000, बट हमने पेमेंट किया 3,50,000। जब भी हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं एक्स्ट्रा जो पेमेंट करते हैं वो गुडविल के लिए होता है, तो यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ, तो आपका 3,50,000 माइनस 3,20,000 इक्वल्स टू 30,000, ये जो है गुडविल वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसको हम उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके लिए आपको गुडविल एंट्रीज को लर्न करना है. ओके, ऑल द बेस्ट.